तो आज मैं यहाँ आया हूँ मोदी नगर, जो है पुरानी तहसील है गाजियाबाद की, और इस मोदी नगर में इतना अच्छा टेस्ट मिलना मेरे लिए सौभाग्य की। तो मैं आपको बताऊं, हमारे गाजियाबाद सिटी में इतनी पुरानी तहसील में इस तरह से डाइनिंग कराकर जो ये रेट ले रहे हैं, बहुत रिजनेबल रेटों पर यहाँ उपलब्ध। मैं मोदी नगर में बिलोंग करता हूँ, पर मेरा बाहर भी आना जाना है। मैं पार्टी के भी, अपने भी काम से और अपने व्यापार के, उससे भी बाहर आता जाता रहता हूँ। पर मुझे बेस्ट लगा कि यहाँ पे और के मुकाबले पूरे शहर में मोदी नगर में ये बेस्ट। जी, मेरा नाम रोकी है, हमारा ये चैन चल रही है भी एस कैफे के नाम से। कितने टाइम से है ये जो आपकी जो पुराना स्टार्टिंग? जो स्टार्टिंग है हमारी 6-7 साल पुरानी है। जी, 6-7 साल से अभी कितने आउटलेट हैं? अभी हमारे टोटल 1500 आउटलेट हैं, वो हमारे खुद के अपने ओन्ड हैं सारे आउटलेट। तो फ्रेंचाइजी भी अगर हम प्रोवाइड कराते हैं तो ये है कि साथ में कोलेबरेट करके तभी हम फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कराते हैं। अभी हमारे पास पिज़्ज़ा हैं, बर्गर हैं, शेक्स हैं और अपने चाइनीज़ है सारा। अभी हमारी यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 11 से, सुबह 11 से और रात के 11 तक। हाँ हाँ, एड्रेस है ये मोदी नगर में है, नियर मोदी मंदिर, मोदी मंदिर के बिल्कुल जस्ट पास में ही है एस कैफे के नाम से, मोदी मिल शुगर मिल के सामने, मोदी शुगर मिल के सामने, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। आगे जाएगा ओवन में, ये करीब कितना टाइम देगा ओवन में? 5 से 10 मतलब 8 से 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, जब तक यहाँ पे ये हो रहा है, जब तक आप हमारी दूसरी तैयारी हो रही है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे पिज्जा रेडी हो चुका है, ये आ गया, देखिए बहुत जबरदस्त, वाह क्या बात है, क्या बात है, ये लीजिए, कटिंग हो गई अब। अभी भैया क्या बनना है अपना? होटल सावर सूप। होटल सावर सूप, हाँ जी। ये क्या कर रहे हैं? ये गार्लिक है जी। ये गार्लिक आ गया? हाँ जी, हाँ जी। अब पानी आ गया? हाँ जी सर, अब पानी आ गया इसमें। अब इसमें ये वेजिटेबल आएगी, अच्छा, हाँ, जैसे कि कैप्सिकम होगी और बेल पेपर होगी और कैबेज होगी, अच्छा, कैरेट होगी। ये नमक हो गया, ये ब्लैक पेपर हो गया, ये क्या है? ये सोया सॉस है। हाँ जी, ये कॉर्न फ्लोर है गाढ़ा करने के लिए। रेडी हो चुका है? हाँ जी सर, ये रेडी हो चुका है। बहुत जबरदस्त, क्या तैयारी हो रही है अभी भैया? ये ब्लू आइस वो बन रही है मोइटो। अच्छा, अपने ब्लू ग्लास फ्लेवर है। हाँ जी, ब्लू ग्रास यू, ये जाएगा 30 ml इसमें, ये जा रहा है इसमें लाइम सीजनिंग। ओके, ये जाएगा इसमें सोडा, थोड़ा थोड़ा सा जाता था टेस्ट। हाँ जी, नहीं जाएगा पूरा, वो बस उसको थोड़ा सा स्टीर करने, अच्छा, मिक्स करने के लिए। आइस
बहुत यहाँ पे हमारा देखिए जबरदस्त ये ब्लू आइस रेडी हो चुका है, ऑयल पूरा हॉट हो गया। अच्छा अब इसमें ये जाएगा हमारा ये प्राइस क्या बन रहा है वैसे क्या बना ये हमारा मेल्टेड चीज़ी फ्राइज बन रहा है। मेल्टेड चीज़ी फ्राइज हाँ जी, ये इसमें फ्राई होगा जब तक इसका कलर हल्का येलो हो जाएगा गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा। अच्छा ये इसमें जाएगा, ये 1000 सॉस होती है वो जाएगी। हाँ जी दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो चुका है जो हमने ऑर्डर किया था। मैं आपको एक बार पास से क्लोज दिखा देता हूँ, ले आइए पास में। ये देखिए ये हमारा हॉट एंड सॉस सूप है जो देखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है। साथ में भैया ने मुझे ये चिली सॉस दी है और ये म्यूनिस दी है, प्लस ये जो हमने इनसे ये पिज़्ज़ा लगवाए थे, पिज़्ज़ा है इनका ये टिक्का पिज़्ज़ा, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। और साथ में ये हैं इनके ये फ्रेंच फ्राइज, पर ये नॉर्मल वाले नहीं है जो आप खाते हैं, ये उससे अलग है। ये इसमें चीज़ के साथ में इनको मेल्ट किया हुआ है, और साथ में ये ब्लू आइस ड्रिंक और रिफ्रेशमेंट। तो अभी मैं खाने की शुरुआत करूं और इसके बारे में बताऊं, तो मैं सबसे पहले जो है आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं मेरे एक बचपन के दोस्त से, जो कह सकते हो कि जब हम स्कूल में थे तब से साथ में और आज तक हम साथ में हैं। दोस्त होने के साथ साथ मेरे पड़ोसी भी हैं। तो मिलते हैं अभिषेक से। ओ अभिषेक भाई थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। तो अभिषेक भाई थोड़ा सा बताएंगे इस रेस्टोरेंट के ऑनर के बारे में, उनके बारे में। तो अभिषेक भाई थोड़ा सा बताइए। ये रेस्टोरेंट जो है गाज़ियाबाद में बहुत अच्छी फूड चेन है जो इन लोगों ने चालू किया है स्टार्टअप, और मैं तो ये चाहूँगा कि जिन लोगों को नया बिजनेस करना है वो भी इस स्टार्टअप से जुड़ें। और इसके ऑनर जो हैं रॉकी नाम है उनका, अपने छोटे भाई की तरह हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो इनके फूड्स हैं, अगर आप पिज़्ज़ा डोमिनोज से कंपेयर करोगे तो शायद उससे बहुत ऊपर के ग्रेड का पिज़्ज़ा आपको मिलेगा, क्योंकि इसका बेस भी ये इन हाउस तैयार करवाते हैं और बाकी सारे इन्ग्रीडियंट्स भी ये लोग बहुत क्वालिटी चेक करके करते हैं। दूसरा जो क्वालिटी पे इन लोगों की कमांड है वो मुझे नहीं लगता कि हर किसी को इतनी सेंस होती है। आप किसी भी प्रोडक्ट में इनके खाने पीने में आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। इनका ये एक और नया आउटलेट अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले ओपनिंग हुई है इसकी, ये एस कैफे के नाम से इनकी फूड चेन चालू कर रहे हैं लोग। तो मुझे लगता है कि सबको जुड़ना चाहिए इसके साथ। तो आइए अब इनके खाने का टेस्ट देखते हैं, जैसा अभिषेक भाई ने बताया और जो दिखने में बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, मैंने पूरी प्रिपरेशन देखी है तो दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो शुरुआत करते हैं इनके खाने को और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। शुरुआत जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैं करता हूँ सूप के साथ में। मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके पहले आप लोगों के पास में रिव्यू देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, हर एक चीज़ एक लिमिट में होती है, हर एक चीज़ का एक स्केल होता है कहाँ पे कितना डालना चाहिए क्या चाहिए, और ये बिल्कुल नपा तुला उसी हिसाब से ये बना हुआ है। तो ज़बरदस्त ये। अब ट्राई करते हैं इनके ये फ्रेंच, जो कि सॉस के साथ, भैया ने मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भैया ने मुझे नाम बताया था इसका, 1000 आइलैंड सॉस। इसको ट्राई करते हैं, शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही हो, मेरे मुंह से जो क्रंचीनेस आया ना उसकी आवाज़ आपके पास पहुंच रही हो, जो क्रंचीनेस ना है ना इसकी माइंड ब्लोइंग। और जो सॉस इन्होंने दी है ना बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। अब ट्राई करते हैं इनकी ये चिली सॉस के साथ में, इसे देखते हैं। वाह, मोमोज की चटनी खाना भूल जाओगे अगर ये खा लिया, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर स्पाइसी खाने के शौकीन है, बहुत स्पाइसी है और चिली सॉस है ये स्पेशली बताया है। अब इनका लास्ट ये ट्राई करते हैं पिज़्ज़ा, इसे ट्राई करके देखते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फ्लैक्स डाल देता हूँ।
इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है। कहाँ से चुरा के लाए हैं ये रेसिपी? बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। पिज़्ज़ा बेस कैसा है? ये पिज़्ज़ा बेस वगैरह सब इनके अपने हाउस बनाए जाते हैं ताजे ना? हमने देखा था, हमारे सामने बनाया था पूरा। ये अगर आप कोई भी चीज़ क्वालिटी की डालोगे और शिद्दत से बनाओगे और शिद्दत से खिलाओगे तो आप फेल हो ही नहीं सकते। इसका जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा किसकी क्या प्राइस है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइसिंग इतना सस्ता प्राइस है। इसका क्या कहने कि इतने सस्ते में हाईली रिकमेंडेड। आपको एड्रेस भी मिलेगा यहाँ का डिस्क्रिप्शन में, और मैं यहाँ का मोबाइल नंबर भी दे दूँगा आप ऑर्डर वगैरह करना हो तो। अब इनकी लास्ट ये ड्रिंक जो बच रही है इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे है। ब्लू आइस, चीयर्स गाइस। मैंने ब्लू आइस और भी जगह पे पी है, काफ़ी बार पी है, लेकिन वो इतनी फ्रेश नहीं लग रही थी जितनी फ्रेश ही है वो। शायद मैंने उससे पहले कभी शूट नहीं किया, मैंने किचन के अंदर जाकर देखा नहीं है। इन्होंने बिल्कुल मेरे सामने हर एक चीज़ बिल्कुल तरीके से दिखा करके हर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाई है, और एक स्केल रखा हुआ है इसे नापने के लिए क्या चीज़ कितनी डालनी है, कितनी क्वांटिटी में डालनी है, कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उसे चलते ओवरऑल ये सारा का सारा जो खाना है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है, और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड किया कि आप लोग यहाँ पे आएँ और ऑर्डर करें, घर पे भी लेकर जाएँ, फैमिली को लेकर भी। फैमिली रेस्टोरेंट है, बहुत बढ़िया है। स्पेशली इनके फर्स्ट फ्लोर पे एक और, अगर आप पार्टी वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके आप पार्टी वगैरह के लिए भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तो पर आएंगे, आप एक बार आइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो खैर दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ पे अपने इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं और आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये खाना कैसा लगा। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। चीयर्स।